हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी डीएनए का पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का पार्ट 6। ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने डाल दिए इसके, अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके, इन यूकेरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की जो प्रोकैरियोटिक बात की थी वो इजी थी, बट इन न्यू कैरेक्टिव बात आती है यहाँ पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन न्यू कैरेक्ट में। ओके, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। तो वहां पे क्या है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज वाला जो बेसिक प्रोटीन है उसको बोलते हैं हिस्टोन्स। ओके, देन अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन। तो जैसे कि हमको पता है कि प्रोटीन कैसे बनता है, कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठा होते हैं, चेन बनाते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उसका जो रेसिड्यू है विथ चार्ज साइड चेन, जो अमाइनो एसिड है उसमें चार्ज होता है। ओके, हिस्टोन्स आर रिच लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो होता है उसमें बेसिक जो है वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन। बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिवली लार्ज चार्ज इन देयर साइड चेन। तो उसका जो लाइसिन एंड आर्जिनिन है उसमें दोनों ही अमाइनो एसिड में पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन है, इसलिए हिस्टोन जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ ना। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। जो हिस्टोन जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। 8 यूनिट मॉलिक्यूल में ऑर्गेनाइज होता है हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे आप 2D स्ट्रक्चर होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये है उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स, क्योंकि 8 मॉलिक्यूल से बनता है न्यूक्लियोसोम। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, तो जो हिस्टोन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे रैप्ड होता है डीएनए का मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर, उसको जो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये सा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये जो न्यूक्लियोसोम वाले जो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया गया है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। Then nucleosomes contain 200 base pair of DNA helix. Okay. Then nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus. Okay. Called chromatin. So nucleosome होता है constitute. उसका जो repeated unit होता है structure in nucleus उसको हम बोलते हैं chromatin. Thread like stain. कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस, जो थ्रेड लाइक स्ट्रेन होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसको स्टेन करेंगे तो बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। ओके, देन द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो न्यूक्लियोसोम है इन क्रोमेटिन आर सीन बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, तो आप वहां पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और वहां पे बीड्स जैसा आपको दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली जो डायग्राम है वो भी आपकी बुक में दिखाया गया है, तो वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हो। ओके,
बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर. जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है इन क्रोमेटिन, ओके, इज पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर. तो वो फॉर्म करता है क्रोमेटिन फाइबर को. दैट आर फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. तो जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो पैक्ड होता है और फॉर्म करता है क्रोमेटिन फाइबर को, ओके. और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो फर्दर कोइल्ड करता है और कंडेंस करता है एट मेटाफेज स्टेज में ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम. ये क्रोमेटिन फाइबर में से बनता है क्रोमोसोम, ओके. तो ये आपको याद रखना है, एट मेटाफेज स्टेज, ओके. तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHC. देन इन टाइपिकली न्यूक्लियर सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक. जो न्यूक्लियस में सम ऑफ द रीजन होते हैं क्रोमेटिन के वो लूजली पैक होते हैं एंड स्टेन लाइट. वो लूजली पैक होते हैं तो वहाँ पे जो हम स्टेनिंग करते हैं जब न्यूक्लियस को, तो वो स्टेन अब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि वो लूजली पैक है, ओके. एंड आर रेफर टू एज, उसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन, ओके. एंड देन द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, जो डेंसली पैक्ड होता है वो स्टेन डार्क होता है. जिसका वो डेंसली पैक होगा तो वो जो स्टेन होगा वो ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन. यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन याद रखना, ओके. देन यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेरियस हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव. तो यहाँ पे जो यू क्रोमेटिन है वो जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ओके. क्योंकि डीएनए में से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होता है क्रोमेटिन, कौन सा, यू क्रोमेटिन. बट जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव रहता है, ओके. क्योंकि ये जो यू क्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड नहीं होता है, वो लूजली पैक्ड होता है. और ये जो होता है हेटेरोक्रोमेटिन वो डेंसली पैक्ड होता है, ओके गाइस. तो ये आपको याद रखना है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा है क्रोमेटिन, तो है यू क्रोमेटिन, ओके गाइस. आई होप सो कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.